गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। जब भी आप ये वीडियो सेशन देख रहे हैं तब आप थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा ही देख लीजिएगा। खास करके अगर आप कहीं भी प्रैक्टिस बैच के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो दो ही बात मैं तीन ही बात इसमें कहने वाला हूँ कि सबसे पहले तो आप सेट जो है ना अप टू डेट लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाओ, लेकिन उसको आप चार बार मत लगाओ, एक बार लगाओ। ये ना कि कहीं भी सेट लगा रहे हो और बार 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 एक ही सेट रिपीट कर रहा है, तो ये सही बात नहीं है। और दूसरी बात क्या है ना कि आपको जब भी कोई सेट बनाना है तो उसमें आपको अपना सेक्शनल देखना है। जैसे आप इंग्लिश का ही सेट लगाते हो तो वोकेबुलरी इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, पैसेज, फिलर, कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है उस सेक्शन पर भी इंडिविजुअल काम करो। तो हमारे यहाँ अगर आप आते हो तो हम तो ये चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। कहीं भी आप जाते हो वहाँ पर अपने टीचर को एकदम मेहनत करवाओ, आप भी मेहनत करो और उनके साथ मिल करके कैसे भी ये साल को एकदम फोड़ दो, तोड़ दो और सिलेक्शन ले लो। क्योंकि इस साल की जो वैकेंसी सीजीएल की है या फिर अभी एमटीएस का वैकेंसी भी इंक्रीज हुआ है और इसी तरह से आने वाले एग्जामिनेशन में जीटी वगैरह के एग्जाम आने वाले हैं और आपको सीपीओ वगैरह का भी जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसका मेंस वगैरह होने वाला है, इन सब के लिए एकदम जम के मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, तो सेक्शनली थोड़ा सा देखो कैसे कैसे इम्प्रूव हो सकता है और कोई भी गाइडेंस का जरूरत हो तो आप मुझे कहीं से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो, चाहे वो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। हम तो आपके लिए टेलीग्राम पे क्यूज भी करवा रहे हैं, क्यूज नाइट भी, तभी आप सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, है ना। और अभी सर के नोट्स एंड पीडीएफ पे आप जाओगे तो डायरेक्ट आपको वहां पर भी बहुत सारा हेल्प के लिए कंटेंट मिल जाएगा। और अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लो, क्योंकि हम अब आप लोगों के लिए एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट वहां पे ला करके दे रहे हैं। ठीक है, तो यही सब बातें थी मुझे बतानी। फिर मैं अगले वीडियो सेशन में आप लोगों को कुछ टिप्स लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, फिर आराम से पढ़ाई करते हैं।